केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी को चुना और वायनाड को छोड़ा। अब वायनाड से बहन प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। यहां पर पार्टियों का समीकरण भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। I'd like to remind you, I am here to fight for you. I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. Rahul Gandhi had given a promise to the people of Wayanad that he is going to be with them for the next 5 years. But now, soon after he had won the seat in Raebareli, he left Wayanad. वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में ये तीन चेहरे हैं जो प्रमुखता से चुनावी लड़ाई के मैदान में हैं। गठबंधन यहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान महाराष्ट्र की तरह ही वायनाड में अलग नाम से है। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस गठबंधन के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी हैं। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दल हैं। एनडीए की प्रत्याशी नव्या हरिदास हैं। मुख्य रूप से यहां बीजेपी है और साथ में भारत धर्म जनसेना है। प्रियंका गांधी जब यहां वोट मांगने आई तो उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला दिया। Since I have been campaigning for different elections, this is the first time that I am campaigning for your support for myself. राहुल गांधी जब अपनी बहन के लिए प्रचार में उतरे तो वायनाड से पार्टी और परिवार का रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has two members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. वायनाड से राहुल गांधी दो बार जीत चुके हैं। इसके अलावा भी ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। 2009 से यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी ही चुनाव जीत रहा है। कांग्रेस का यहाँ मुख्य मुकाबला लेफ्ट पार्टी से रहता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड की जनता को चिट्ठी लिखकर एक भावुक अपील की है। ये पत्र यूडीएफ गठबंधन घर घर पहुंचाएगा। बीजेपी का वोट शेयर केरल में धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोकसभा चुनाव में तो पहली बार बीजेपी का खाता भी खुला था, लिहाजा वो यहाँ कमजोर नहीं दिखना चाहती। बीजेपी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नव्या हरिदास को टिकट दिया। नव्या भी पूरी जी जान से मैदान में उतरी हुई है। And we are getting a very good positive response from the people of Wayanad, not only from the BJP workers, but all the public is also supporting BJP a lot. I think for Congress, it's going to be a tough election this time because they have lost the faith in people of Wayanad. Rahul Gandhi had given a promise to the people of Wayanad that he is going to be with them for the next 5 years. Now, soon after he had won the seat in Raebareli, he left Wayanad. चुनावी मुकाबले में एलडीएफ प्रत्याशी सत्यन मोकेरी भी कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे केरल में है। സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ 3 തവണ എംഎൽഎ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള നാലാവരും നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ്. ആ ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് വയനാട് പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരിൽ ഒരാളായി അവരോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും. വയനാട് മേ അസ്ലി ഇന്ത്യ അലയൻസ് ഹെ കോൺ പ്രിയങ്ക വാഡ്ര ജി ഭി ചുനാവ് ലഡ് രഹി ഹൈ, വഹാ പർ മോകേരി ജി ഭി ലെഫ്റ്റ് സേ ചുനാവ് ലഡ് രഹി ഹൈ. ये कैसा गठबंधन है कि दिल्ली में दोस्ती है, केरल में कुश्ती है, अब जनता पूछ रही है कि असली इंडिया अलायंस इनमें से कौन है।
प्रियंका अगर जीतती है तो कांग्रेस परिवार के 3 सांसद होंगे, मां राज्यसभा में और राहुल के साथ प्रियंका लोकसभा में। वैसे अगर देखा जाए तो वायनाड का नतीजा न सिर्फ लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधि तय करेगा बल्कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर भी लगी रहेंगी, ये तय है।